लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए बेवकूफ ही करने पर उतर आते हैं। ऐसा ही कारनामा किया है इंग्लैंड की एक महिला ने। सीफोर्ड हेड क्लिफ पर घूमने आए लोगों ने महिला को चट्टान के किनारे योगा करते हुए देखा। इस महिला को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। वहां घूमने आए 51 वर्षीय वेन स्प्रिंग ने बताया कि लोग उस महिला को करीब जाकर देखने की कोशिश कर रहे थे। इस महिला को दोपहर को चट्टान के किनारे पर योगा करते हुए देखा गया था। अज्ञात महिला तकरीबन 20 मिनट कर बेकार योगा करती रही। 200 फीट ऊंची इस चट्टान के किनारे खड़े होकर योगा करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। वेन ने बताया कि इस चट्टान पर बड़ी बड़ी दरारें थी और पर्यटकों को किनारे पर नहीं जाने की चेतावनी भी दी जाती है। महिला अपने पोसे इसके साथ इतनी दृढ़ दिख रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कितने बड़े खतरे में है। लोगों के हादसे से बचाने के लिए साउथ डाउन्स नेशनल पार्क अथॉरिटी ने बाड़े लगाने पर भी विचार किया था।